अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम ऑथेंटिक तरीके से पिशावरी स्टाइल या फिर चर्सी या मिशनवारी स्टाइल मटन रिब्स बनाना आपको सिखाएंगे। इसके मसाले के मेरीनेशन से ज़्यादा इसके कुक होने की टेक्निक होती है, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप मेरी रेसिपी को एज इज़ फॉलो करें तो उम्मीद है आपका मटन रैक भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। मटन की चाप पे आपकी बहुत ही लजीज बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इसके लिए सबसे पहले हमें मटन की चाप पे चाहिए। मैं इस तरह करके पूरा रैक ले रही हूँ मटन का, और इसके ऊपर जो फैट होता है, यानी कि जो चर्बी, जो छिछड़े वगैरह होते हैं, वो हम इससे हटा लेंगे छोटी छुरी की मदद से। इस तरह करके हम सारे छिछड़े वगैरह हटा लेंगे, क्योंकि इससे मटन कुक नहीं होता, बाद में सख्त रह जाता है। तो ये ऊपर से हम सारे इसका जो फैट है, ज़्यादा नहीं हटाएंगे, हल्का हल्का सा करके हम इस तरह हटा लेंगे। अब हम इसके ऊपर नमक डालेंगे। नमक आप हसबे जायका ऐड कर सकती हैं। नमक हम इसके ऊपर अच्छे से रब करेंगे। अगर आप चाहें तो आप लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ऑथेंटिक तरीका यही है कि वो सिर्फ नमक का इस्तेमाल करते हैं। गोश्त अच्छा वाला लें तो ये सिर्फ नमक के साथ ही गल जाता है। इसके ऊपर कच्चा पपीता या फिर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। इसके ऊपर हम छुरी की मदद से या फिर कांटे की मदद से इस तरह करके निशान लगा लेंगे, यानी कि प्रिक कर लेंगे। अच्छे से हम इसके ऊपर नमक लगा लेंगे दोनों साइडों से, और अब हम इसको सीखों पर लगाएंगे। दो अदद सीखे लेंगे और इसके साइड से इस तरह करके इसमें पिरो लेंगे। ये मैंने सीखों में इसको लगा दिया है। इससे टर्न करने में आसानी होगी। अगर आप दो सीखों में इसको इस तरह करके पिरोएंगे तो इसको टर्न करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कोयले को आप दहका लें या फिर इलेक्ट्रिक ग्रिल को आप पहले से प्री हीट कर लें। मैंने मीडियम हीट पर इसे प्री हीट कर लिया है, और अब हम इसे मीडियम हीट पर ही कुक करेंगे। इसे तकरीबन 40 से 50 मिनट लगते हैं कुक होने में। आपके गोश्त पर डिपेंड है कि किस तरह आपका गोश्त है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताती जाऊँ कि कोयले को आपने बिल्कुल पका लेना है, यानी कि जैसे कोयले को हम पका कर दहका दहका कर उसके अंगारे बना लेते हैं, तो इस तरह अंगारों पे आपने इसे कुक करना है। यानी दहकते हुए कोयलों पर आपने इसे कुक नहीं करना, बिल्कुल अंगारों पे आपने इसे कुक करना है। यानी कि हल्की हल्की हीट पर आपने इसे कुक करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट एक साइड से लगते हैं कुक होने में। फिर हम इसकी साइड टर्न करेंगे और 20 से 25 मिनट दूसरे साइड से हम इसे कुक करेंगे। याद रखें कि इसके ऊपर आपने कुछ और बिल्कुल भी नहीं डालना। बस ये साइड पे मैंने कुछ चर्बी है जो कि मैंने सीखों पर लगा ली है, और वो पिघलती जा रही है। साथ साथ मैं इसके ऊपर ये चर्बी लगा रही हूँ। अगर चर्बी अवेलेबल नहीं है तो आप इसके ऊपर ब्रश की मदद से घी भी लगा सकती हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर बटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। सिर्फ घी अगर हो तो आप घी इसके ऊपर लगा सकती हैं, या फिर ऑथेंटिक तरीका यही है कि आप इसके ऊपर पिघला हुआ फैट, यानी कि दुम्बे की चर्बी, आप इसके ऊपर लगा सकती हैं। तो 40 मिनट में ही ये हमारा मटन टिक्का, मटन रिब्स जिसे कहते हैं, ये हमारा कुक हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।